मेरा यह मानना है कि इन बच्चों पर किया जाने वाला जो भी खर्च है यह देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की सबसे प्रमुख आधारशिला है। और उस शिक्षा के लिए अगर सरकार के स्तर पर पहल होती है तो वह अच्छे परिणाम देता है। और आज समाज कल्याण विभाग ने यह प्रक्रिया एक नई सौगात गोरखपुर को इस रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी इस प्रकार के बालक या बालिकाओं के आश्रम पद्धति के विद्यालय बन रहे हैं या बन चुके हैं, एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में, उन बच्चों के लिए आश्रम पद्धति के तर्क पर वहीं पे उनके रहने की व्यवस्था हो, वहीं पे उनके विद्यालय की व्यवस्था हो, उत्तम अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो सके, यह कार्य भी वहां पर संपन्न हो रहा है। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है जैसे आश्रम पद्धति का यह विद्यालय है, इस आश्रम पद्धति के विद्यालय की तर्ज पर ही हर जनपद में हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया को और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। इसकी अपनी कामना करते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि युवाओं के लिए और खासतौर से वर्तमान पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके जो भी अच्छा हो सकता है वो अच्छा करने के लिए आपके साथ मिल करके आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।